स्पेशल है अपने आप में? देखिए मैं समझती हूँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं बच्चों का ही शो कर रही हूँ बालवीर, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगा क्योंकि बच्चे बहुत इनोसेंट सोल्स होते हैं. आप कहीं पे भी जाते हैं आपको बच्चों की मासूमियत खींच लेती है. एंड आई थिंक आई वुड लव टू कंग्रेचुलेट, सॉरी बहुत आवाज़ आ रही है ना. यू नो वॉट, आई एम रियली रियली एक्साइटेड फॉर दिस बिकॉज जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं बच्चों का ही शो कर रही हूँ बालवीर. और जब विपुल ने मुझे इनवाइट किया इस इवेंट के लिए, एक तो ये जो आइडिया है इट्स रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज जगह जगह से इन्होंने इतने ऑडिशंस किए हैं. जैसे कि इन्होंने अभी बताया कि तकरीबन 20 शहरों में जाकर इन बच्चों को लेकर आए हैं. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एफर्ट. एंड वो बच्चे स्टेज पे इतने क्यूट लग रहे थे. देयर इज वन गाय विद नाइस ब्लू आई, आई कांट हियर एनीथिंग. I think it's a great concept and I would like to congratulate Vipul and Sarah for this wonderful, wonderful idea. I mean, it's such a beautiful thought ki jaga jaga se bachcho ko lekar aaye hain. Ek bachcha hai chhota sa, uski aankhein itni pyari hai. Ek bachcha maine abhi dekha, you know, wo apni masti mein chal raha tha. To I think bachche already itne masoom hote hain, itne pyare se hote hain. Aur inhone to India ke I think takriban 12 bachchon ko ye jagah jagah se dhoond ke lekar aaye hain. I think it's a great idea and I'm really feeling very happy to be part of this great initiative and I would like to congratulate Vipul and Sarah. It's a great idea. इन्होंने उनके बेटे ने लॉन्च किया है, ये उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका जो पर्सनल पर्सनैलिटी है, उनका जो स्वीटनेस है, वो कितना चल रहा है? जी, सोनू निगम जी ऑलरेडी इतने फेमस हैं अपनी आवाज़ के लिए और उनका बेटा मैंने अभी देखा, इतना अच्छा गाता है सोनू जी का बेटा. एंड आई वॉज लाइक ऑब्वियसली जीन्स में है उनके गायकी, तो ही सो क्यूट. और मैं अभी सोनू जी की वाइफ को बोल रही थी कि उनके बेटे को सिंगर नहीं, उनके बेटे को एक्टर बनना चाहिए बिकॉज ही सो क्यूट. एंड आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि ऑलरेडी एक अच्छा आइडिया है ऐसा एक इवेंट लेकर आना, और आई थिंक जो उन्होंने चीफ गेस्ट भी रखा है वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा है. इट वाज सो क्यूट. और इंडस्ट्री कितना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है बच्चों को, एक्टिंग में भी काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, कितनी अच्छी बात है. लेकिन कभी कभी वर्किंग टाइम को लेकर काफ़ी हो जाता है कि बच्चे से इतना काम नहीं करवाना चाहिए, तो ये क्या इसके बारे में क्या कहना है? आई थिंक जो लोग एक्टर बनते हैं वो ऑलरेडी ऊपर से ब्लेस्ड होते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं, एक्स्ट्रा टैलेंट होता है. क्योंकि जो कलाकार लोग होते हैं वो कहते हैं कि ऊपर से लिखवा के लाते हैं, तो ये जो बच्चे जो इस फील्ड में आते हैं वो ऑलरेडी आई थिंक काम करते करते इतना सीख जाते हैं. येस, वर्किंग आवर्स होते हैं, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन हाउसेज जो हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो बच्चों को थोड़ा तो आई थिंक ये मौका देते हैं कि वो आराम से रेस्ट कर लें, और सीन्स वैसे लगाए जाते हैं ताकि बच्चे जब वो सोना चाहते हैं तो सो जाएँ, और जब उनको रिलैक्स होकर टाइम मिले तो उनका शॉट लगाया जाए. और आई थिंक बहुत सारे, मेरा जो शो है बालवीर, बहुत सारे बच्चे हैं एंड बहुत ही खूबसूरती से उन बच्चों को टाइम दिया जाता है रेस्ट करने का, पढ़ाई करने का, और आई थिंक उनको आदत भी हो जाती है. लास्टली ये पूछना चाहूँगा, बच्चे स्वीट तो होती हैं लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उन्हें इनोसेंस होता है जी. तो आप ये समझते हैं कि जो बचपन का फेज होता है वो सबसे अच्छा होता है, सबसे यूनिक होता है, स्पेशल होता है? डेफिनेटली डेफिनेटली, बिकॉज जब हम बच्चे होते हैं ना, जो बेस्ट चीज़ होती है, हम कुछ फिल्टर नहीं करते, हमें जो अच्छा लगता है हम बता देते हैं, और जो हमें चीज़ बुरी लगती है हम बता देते हैं. बड़े होकर हमें काफ़ी कुछ फिल्टर करना पड़ता है, नहीं मैं ऐसा बोलूँगी तो ऐसा लगेगा. और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमें बड़े होकर भी अपने में जो थोड़ा सा बचपना है उसे रखना चाहिए. अरे कैसन बा, बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम एवर, और बच्चे भगवान के रूप होते हैं. सो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया कि दे हैव कम अप विद दिस कैलेंडर. बहुत ही इनोवेटिव है और बहुत ही नया आइडिया है, फ्रेश है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं. आपने लड़कियों के कैलेंडर लॉन्च देखे हैं, लड़कों के कैलेंडर लॉन्च, हैंडसम हंग्स, ब्लू गॉर्जियस गर्ल्स, पर आज तक आपने इंडिया क्यूटेस्ट किड्स के नाम से कोई कैलेंडर लॉन्च नहीं देखा, और ना ही कोई बच्चों का कैलेंडर लॉन्च देखा. मैंने तो नहीं पर्सनली देखा,
So I think ये बहुत ही innovative idea है. It's a very beautiful thought. Yeah, and it's a very good initiative also in a way because वो बच्चे बेचारे कहाँ जाएंगे जिनको you know बचपन से modeling और camera के सामने रहने का शौक होता है. So I think उनको एक बहुत ही अच्छा platform भी मिला है and plus it's a very good initiative. और सोनू निगम के बेटे ने launch किया है इतने sweet personality. आप क्या कहना चाहेंगे कि मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ और जितना सुरीला वो गाते हैं उतना ही सुरीला उनका बेटा गाता है. उसने दो लाइन गाई है बस मैं ऐसे देख रहा था यार उसने दिल जीत लिया. ही सैंग सो ब्यूटीफुली. उसने दो लाइन गाई और मतलब आई वाज फ्लैबकास्ट. आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रोफेशनल गाड़ी शूट करके कैसा एक्सपीरियंस रहा दिन के साथ आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बाकी आगे आगे आपको पता चल जाएगा. मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता इस बारे में. फिर भी आपको लगता है अर्जुन एक सही होस्ट है खिलाड़ी के लिए क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े स्टार होस्ट कर चुके हैं शो को? आई थिंक ही वॉज लॉट ऑफ फन एंड एक होस्ट का कंटेस्टेंट्स के साथ जेल होना और मस्ती करना एंड आई थिंक दैट्स वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज़ टाइम. तो मेरे अगर नज़रिए से पूछे तो इज़ अ वेरी गुड होस्ट. जी लेकिन अभी मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी लेकिन वेरी सून प्रोबेबली दिस मंथ और फर्स्ट वीक ऑफ फेब यू आर गोइंग टू सी मी वेरी सून ऑन लाइफ ओके. लास्टली आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बच्चे का इवेंट है ये जो बचपन में इनोसेंस होता है वो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है? आपको भी लगता है कि हम लोग में उस तरह की इनोसेंस होना चाहिए? अगर हम में इनोसेंस उस तरह की आ जाएगी तो फिर हम भी बच्चे ही बन जाएंगे ना. राइट. तो फिर बड़ों का काम ही नहीं होगा. बट आई स्टिल थिंक लाइक आई एम लाइक दैट. आई थिंक यू शुड बी. हां इनोसेंस हर इंसान में होती है. उस इनोसेंस को पहचान पाना परख पाना थोड़ा मुश्किल होता है. ब्यूटी ऑफ लाइफ इज टू बी अ किड एट हार्ट. लाइक मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि तुम बिल्कुल बच्चों की तरह हो. मेरी 80 यू शुड बी अ किड एट हार्ट एंड यू शुड एंजॉय योर लाइफ. इनोसेंस हर किसी में होती है. अब किसी को दिखती किसी को नहीं दिखती. अब वैसे मेरी शक्ल देख के लोगों को मैं ज़रा भी इनोसेंट नहीं लगता हूँ पर मैं बहुत इनोसेंट इंसान हूँ. सो अपना अपना नज़रिया है. सबसे तो ये पूछना चाहूँगा ये कॉन्सेप्ट दिमाग में क्यों आया और कैसे आया और इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को कितनी खुशी मिल रही है आपको? बस क्योंकि आजकल हम जानते हैं कि जितने शादीशुदा लोग हैं उनके घरों में आजकल फैसले जो हैं वो बच्चों से लेकर बहुत किए जाते हैं कि भाई बच्चे को संडे है तो बच्चे कहाँ जाएगा कहाँ एंजॉय करेगा कौन सी पिक्चर देखी जाए जो बच्चे एंजॉय करेंगे कौन सा रेस्टोरेंट है जिसमें बच्चे खाना खाएंगे. इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बच्चों पर डिपेंड करती है क्योंकि पेरेंट्स वॉन्ट्स टू गिव इन ऑल देयर टाइम टू देयर किड्स. तो हमने सोचा यार जब बच्चों की इतनी सब चीज़ें हो रही हैं तो बच्चों का कैलेंडर क्यों नहीं है. दूसरा कई शहरों में ऐसा होता है कि लोग आके यहाँ एक्ट नहीं कर सकते बट दे स्टिल वॉन्ट टू सी देयर किड्स यू नो ऑल ओवर द कंट्री. तो हमने सोचा कि हम 20 शहरों में जाएंगे और 20 शहरों से श्रीनगर से जयपुर से हर जगह जगह से जाकर बच्चों की पिक्चर्स ली हमने उनको ऑडिशन किया शॉर्टलिस्ट किया पिक्चर्स को और उनको कैलेंडर में फीचर किया जो पूरे हिंदुस्तान में बांटे जाएंगे. ये पूछना चाहूँगा जितने लोग फीचर कर रहे हैं जितने बच्चे फीचर कर रहे हैं इनका कोई उनका पहले से ग्लैमर इंडस्ट्री कुछ है ही नहीं. ये तो घरों के प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो अपने जैसे हर माँ आपको लगता है कि यार मेरा बेटा तो शाहरुख खान है मेरी बेटी माधुरी जैसी दिखती है. सबको मेरी मम्मी को भी ऐसा लगता है आई एम श्योर इसकी मम्मी को भी ऐसा लगता है कि भाई हमारे सबको अपने बच्चे प्यारे लगते हैं तो वो प्यारे बच्चे आए कहाँ पर. तो इसलिए हमने क्या लॉन्च के लिए सोनू निगम के बेटे को बुलाया आपने उसकी कोई खास वजह थी? देखिए सोनू निगम और माधुरिमा निगम मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं और मैंने जब निवान को एक बार सुना गाते हुए सोनू जी के घर पे बहुत ज़बरदस्त और तो मुझे ऐसा लगा कि ही इज़ ऑल्सो राइजिंग स्टार एंड आई एम श्योर ऑल द किड्स विल एंजॉय हिम. कैलेंडर ठीक है ये भी एक आइडिया है जो किसी के भी दिमाग में आ सकता है कि चलो ठीक है आप लड़कियों के कैलेंडर चल रहे हैं मॉडल्स के कैलेंडर्स हो रहे हैं यू कमिंग आउट विद कैलेंडर्स ऑफ टेलीविजन एक्ट्रेसेस एंड ऑल दैट. बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कैलेंडर इज आई थिंक जो मुझे भी अभी पता चला कि ये एक्चुअली अलग अलग सिटीज़ में जाके अलग अलग सिटी के बच्चों को यहाँ एक साथ एक कैलेंडर में डाला गया विच इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया. बिकॉज एज ए सेड जब हम एक घर में पैदा हुए जब हमारे मॉम डैड ने भी देखा होगा कि यार ये तो कुछ कर सकता है मतलब हर माँ बाप का एक सपना होता है अपने बच्चे को लेकर. सो आई थिंक अगर ये एक कैलेंडर के जरिए अगर हम उन हज़ारों करोड़ों फैमिलीज में से एक एक उस फैमिली के माँ बाप का सपना पूरा करते हैं दैट्स अ बिग डील फॉर मी. दैट्स लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस कैलेंडर. आप एक्टिंग प्रोफेशन से इतने दिन से जुड़े हुए हैं काफी सारे चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ काम किया होगा आपने कभी ऐसा लगा कि ये आर्टिस्ट मुझसे टैलेंटेड है मुझसे भी हार्ड वर्क यार बच्चे आई थिंक
एक बच्चा नहीं, आजकल एवरी किड इज सुपर टैलेंटेड. मतलब व्हेन आई हैड एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग, मुझे एक लाइन याद नहीं होती थी. मतलब फॉर वन आई स्टिल रिमेंबर माय फर्स्ट शॉट, मैंने कुछ 18 टेक्स लिए थे तो मैंने अपना पहला शॉट दिया था, बिकॉज आई हैड नथिंग टू डू विद एक्टिंग. बट अभी मेरे सीरियल में जो मेरे बेटे बन के आए थे, आई हैव बीन वर्किंग विद लॉट ऑफ चाइल्ड आर्टिस्ट, यार वो लोग आधी आधी पेज की लाइंस ऐसे बोल जाते हैं. दे आर सो टैलेंटेड. सो आई एम रियली लाइक यू नो सरप्राइज एंड वेरी हैप्पी ऑल्सो एट द सेम टाइम दैट द किड दैट द कमिंग द जनरेशन विच इज कमिंग इज सुपर टैलेंटेड एंड वेरी वेरी गुड एक्टर्स एंड वेरी क्रिएटिव. करेक्ट. थैंक यू. बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, अलग तरीका है. यू नो ये हमारे जो यंग जनरेशन है उनको यू नो यहाँ पर लाने में, एक्चुअली आजकल काफ़ी सारे ऐसे फिल्म्स बनते हैं, शोज़ बनते हैं जहाँ पर यू नो बच्चे मेन कैरेक्टर्स मेन रोल्स में होते हैं. यू हैव सीन यू नो द फिल्म लाइक बजरंगी भाईजान जहाँ पर बच्ची का मेन रोल था. सो यहाँ पे यू नो इनको एक प्लेटफॉर्म देना और 5,000 घरों में यू नो 5,000 कैलेंडर्स इनके बन रहे हैं. सो इट्स अ स्पेशल फीलिंग यू नो, एक अलग ही फीलिंग रहती है बच्चे जब अपने कैलेंडर्स में अपने आप को देखते हैं. सो इट इज़ वेरी डिफरेंट थिंग एंड विपुल इज़ अ वेरी मल्टी टास्कर, हमेशा कुछ ना कुछ नया करता ही रहता है. सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट. आई थिंक इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट. हम लोग लड़कियाँ देखते हैं कैलेंडर पे, लड़के देखते हैं, बट बच्चों को देखना इट्स लाइक अ ट्रीट यू नो. एंड एक्चुअली बच्चे रिफ्रेश करते हैं उनको कहीं ना कहीं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया. यस, मैंने जो अपना पहला शो किया था कयामत, मैं उस बच्चे का नाम भूल गया हूँ, लेकिन ही वॉज वेरी टैलेंटेड और इतना टैलेंटेड था दैट स्लमडॉग मिलियनेयर में वो क्या कहते हैं मेन रोल में था. वो जो छोटा सा जो बच्चा था वो मेरे शो में ही वॉज प्लेइंग माई यंगर वर्जन, जो मेरा बचपन था वो कर रहा था. एंड आई ऑलवेज यूज टेल हिज मदर दैट यू नो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही क्विक लर्नर है, सो बहुत आगे जाएगा. एंड इन फ्यू ईयर्स आई सॉ हिम इन स्लमडॉग मिलियनेयर, सो काफ़ी टैलेंटेड रहते बच्चे. अभी तो एट प्रेजेंट यू नो आई जस्ट गॉट डन विद माय शूटिंग में, हम दोनों खतरों के खिलाड़ी खत्म करके आए हैं. सो वो अब ऑन एयर होने वाला है, सो वहाँ पे लोग हमें देखेंगे. फिल्म प्रोजेक्ट की बात करें तो अभी कुछ ऐसा एकदम कॉन्क्रीट नहीं है, सो जिस दिन हो जाएगा उस दिन मैं. बहुत ही अच्छे हैं एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. बोलेगा बुरे हैं आप बोलोगे अर्जुन कैसे हैं, हम यही बोलेंगे ना कि अर्जुन अच्छे हैं. मतलब कंपैरेटिवली कौन बोलेगा.